नमस्कार, मैं आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम भारतीय चित्रकला के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तीसरे जो सेक्शन है हमारा, सी सेक्शन, उसके आखिरी दौर में है। पिछले वीडियोस में हम कुछ कलाकारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नंदलाल बसु की। भारतीय चित्रकला के इतिहास में नंदलाल बसु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नंदलाल बसु, नंदलाल बसु की बात अगर हम करें तो इनका समय लगभग 1882 और कुछ विद्वान इनको 83 मानते हैं, तो 1882-83 से लेके 1966 तक इनका समय है। नंदलाल बसु लेखक भी थे, कलाकार भी थे और अवनींद्रनाथ के शिष्य रहे थे। तो नंदलाल बसु के बारे में बात करें तो भारतीय कला का जो आंदोलन का जो सूत्रपात था उसमें नंदलाल बसु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अवनींद्रनाथ के शिष्यों में रहते हुए इन्होंने जिस उद्देश्य से वो कला आंदोलन से जुड़े हुए थे अवनींद्रनाथ टैगोर, तो वही परंपरा में ये आगे चले और इन्होंने उस तत्कालीन समय में जब भारतीय कला का पतन हो रहा था और भारतीय कला के बारे में बड़ी आलोचना की जा रही थी, उस समय में भारतीय कला के पुनरुत्थान का जो प्रयास नंदलाल बसु ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। बंगाल स्कूल के एक मुख्य कलाकार के रूप में इनको देखा जाता है। नंदलाल बसु जो थे वो बचपन से ही कला के प्रति इनका रुझान था और एक बात कही जाती है कि जब ये इन्होंने एक स्कूल में प्रवेश के लिए अपना चित्र एक बनाकर भेजा तो उस चित्र को देखकर ही इनको एडमिशन दे दिया गया था। यानी काफी अच्छी कृतियां शुरू से ही बनाते थे। इन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ वर्क्स किया है। वैरायटी ऑफ वर्क्स मतलब इनके नंदलाल बसु के कला कार्य में पर्याप्त विविधता है। विविधता मतलब बहुत डिफरेंट स्टाइल का इन्होंने काम किया है, लेकिन सभी में भारतीयता का पुट देखने को मिलता है। इनका कहना था कि कलाकार में एक रचनात्मकता, उसकी निजी शैली होनी चाहिए। ये इनकी रेखाओं पर विशेष कमांड था। रेखाएं बहुत सशक्त थी नंदलाल बसु की रेखाएं बहुत सशक्त हैं। रेखांकन बहुत सशक्त था इनका। अगर इनकी नंदलाल बसु की बात करें तो नंदलाल बसु के जो फेमस पेंटिंग्स हैं उसमें कुछ पेंटिंग्स के नाम हम यहाँ पर देखते हैं। सती फेमस पेंटिंग है नंदलाल बसु की। नौका विहार, नौका विहार। और इन्होंने माइकल एंजेलो राफेल की भी चित्रों की भी प्रतिकृतियां की। इन पर राजा रवि वर्मा का भी प्रभाव कुछ लोग कहते हैं कि था। इसके साथ साथ संथाल जो बंगाल के एक कुछ जिसको हम ट्राइब्स बोलते हैं या जनजातियां हैं, संथाल परिवारों के इन्होंने काफी चित्र बनाए। और ये नंदलाल बसु जो थे, ये नंदलाल बसु ने ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का ये प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे और वहां से फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इनको विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले गए, जहां ये काफी लंबे समय तक रहे। यानी
बंगाल का जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन कला भवन, कला भवन में बहुत लंबे समय तक ये बतौर शिक्षक रहे, बतौर शिक्षक और अध्यक्ष। बतौर शिक्षक और अध्यक्ष रहे वहां पर, और इन्होंने बर्मा, मलाया, चीन और जापान की यात्राएं की, जिनका इन विदेशी जो दौरे थे, इनके जो विदेशी यात्राएं थी, उन चीन और जापान की जो यात्राएं थी, उन चीन जापान की यात्राओं का भी प्रभाव इनकी कला पर पड़ा। नंदलाल बसु की कलाओं पर पड़ा। इन्होंने जापानी चीनी पद्धतियों का, चित्रण पद्धतियों का अध्ययन किया, और ये जो थे वो मुगल, राजपूत यानी राजस्थानी पहाड़ी शैली के चित्रों से बहुत प्रभावित थे। भारतीय रंग योजनाओं ने इनको बहुत प्रभावित किया था। इन्होंने विभिन्न माध्यमों में बात की, जैसे हम यहीं शुरू में ही बात कर चुके हैं कि नंदलाल बसु के कार्यों में पर्याप्त विविधता है। तो इन्होंने टेम्परा मतलब आप जानते हैं कि जिसको हम आजकल पोस्टर कलर कहते हैं, अपारदर्शी रंग जो भारतीय कला की मुख्य विशेषता थी, वॉश वॉश पद्धति, जापानी जो चित्रण पद्धति है उसमें जल रंग रंगों में और पेंसिल स्याही, ब्लैक कलर की स्याही से बहुत काम इन्होंने किया है। रंगीन पेन से बहुत काम किया, और इसके अलावा ग्राफिक्स भी इन्होंने काफी की है। तो इनके कार्य में काफी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, काफी माध्यमों में इन्होंने कार्य किया है, नंदलाल बसु ने। नंदलाल बसु ने काफी वैरायटी से काम किया। इसके साथ साथ इनके प्रमुख चित्र के बारे में हम जैसे बात कर चुके, सती नौका विहार इनके फेमस पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा इनकी फेमस पेंटिंग में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, सती का देह त्याग। सती का देह त्याग ये बहुत ही फेमस पेंटिंग इनकी है, सती का देह त्याग। सती का देह त्याग के अतिरिक्त इनकी गांधारी गांधारी और भीष्म प्रतिज्ञा, इसके अलावा आपकी शिव का विषपान बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी, शिव का विषपान, शिव का विषपान, और आपका तूफानी रात, ये भी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ये भी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, कृष्ण और अर्जुन, शिव का विषपान, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सती का देह त्याग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। सती का देह त्याग, शिव का विषपान और कृष्ण और अर्जुन। इसके अलावा पेंटिंग्स हैं इनकी, महिषासुर मर्दिनी बहुत फेमस पेंटिंग है, महिषासुर मर्दिनी। ये बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी, महिषासुर मर्दिनी। और आपका दांडी कूच, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है, दांडी कूच की भी। इसके अलावा दुर्गा, दुर्गा इनकी फेमस पेंटिंग है। तो ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, इनके बहुत माध्यमों में काम इन्होंने किया था। इसके साथ साथ
इन्होंने नंदलाल बसु ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन था, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन बहुत फेमस है, कांग्रेस अधिवेशन के लिए हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्होंने जो पांडाल की सज्जा थी, पांडाल की सज्जा के लिए चित्रण कार्य किया था। ये बहुत फेमस बात इनके साथ है, चित्रण किया था। इसके अलावा स्टेज डेकोरेशन वगैरह के लिए बहुत फेमस थे। इनकी टेम्परा शैली के जो इनके रंग है, टेम्परा रंगों में कार्य करना पसंद करते थे। मैं मूलतः कार्य करते थे तो इसके अलावा इन्होंने आपके फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंचो तोरण द्वार की सज्जा भी की, और स्वाधीन भारत की उस स्वाधीनता आंदोलन से ही जुड़े रहे नंदलाल बसु। इसके अलावा ये कला भवन शांति निकेतन और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी, इन्होंने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में, ये बहुत फेमस है, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी इन्होंने चित्रण किया है। तो ये बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में चित्रण किया, और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्होंने पांडाल की सच्चा के लिए कार्य किया। ये इनके फेमस पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा और जो बातें हैं वो हम देखेंगे, तो ये बातें आपके ध्यान में रखने की हैं। इनकी कलाओं में रेखा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बात हम कर चुके हैं कि टेम्परा शैली के, इन्होंने टेम्परा शैली में ज्यादातर काम किया है। तो बाकी की बात हम और उनके बारे में करते हैं। तो इन्होंने एक तो बहुत खास बात था कि जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर, आप जानते हैं जगदीश चंद्र बसु साइंटिस्ट हैं, जगदीश चंद्र बसु बसु के लिए इन्होंने वहां के विज्ञान भवन के लिए भी चित्र बनाए। विज्ञान भवन के लिए चित्र बनाए किसने? नंदलाल बसु ने। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके साथ बात थी वो बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां करने में उस दल के साथ थे। ये किसके साथ? बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां की। ये इनके भारतीय कला का प्रभाव का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां की नंदलाल बसु ने। इसके अलावा इन्होंने जो फेमस पेंटिंग्स इनकी हैं वो भी काफी फेमस हैं पेंटिंग्स, और इनकी कला पर अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। शांति निकेतन के बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी उस पर अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कहा जाता है कि नंदलाल बसु पर अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव था, अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा शांति निकेतन में भी इन्होंने काफी, वहां के पुस्तकालय, शांति निकेतन के पुस्तकालय भवन पे भी इन्होंने चित्रण कार्य किया। पुस्तकालय भवन में चित्रण कार्य किया इन्होंने नंदलाल बसु ने।
और कला लेखन, इनका चित्रण के साथ साथ कला लेखन में भी बहुत योगदान है। इन्होंने शिल्प चर्चा नाम की एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, शिल्प चर्चा, ये बहुत फेमस पुस्तक है इनकी। और इसके अलावा एक और बुक इनकी जो मुझे याद है वो है शिल्प कला रूपावली, शिल्प कला रूपावली, ये इनकी पुस्तकें हैं दोनों, ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं, शिल्प कला रूपावली और शिल्प चर्चा, ये तो बहुत फेमस है। इसके अलावा इनके चित्रों के जो संग्रह हैं, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनके चित्र देखने को मिल जाएंगे, शांति निकेतन, और काफी पर्सनल कलेक्शन में लोगों के है। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि दे दी थी, मानद उपाधि दी थी 1950 में, डीलिट की मानद उपाधि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि दी थी। और इसके अलावा 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। ये इनकी खास बातें थी, भारतीय कला परंपरा के इनका एक योगदान रहा, इनकी कृतियां जो थी वो भारतीयता में रची बसी थी। नंदलाल बसु की पेंटिंग्स, इनकी पेंटिंग्स में आपको इस वीडियो के आखिर में कुछ पेंटिंग जैसे मैंने पिछले वीडियोस में डाली हैं, इसमें भी मैं आपको नंदलाल बसु की कुछ पेंटिंग्स दिखाऊंगा। मैंने नाम आपको बताए हैं इनकी फेमस पेंटिंग्स के, और कुछ मैं नाम बताता हूँ। इनके चित्रों में जो थी वो आकृति में भाव, मुद्रा जो थी वो सूक्ष्म भाव व्यंजना है। बसु ने पौराणिक और धार्मिक विषयों के अतिरिक्त पौराणिक और धार्मिक विषयों के अतिरिक्त और भी धार्मिक विषयों के अतिरिक्त जो है इन्होंने कीट पतंगों का भी चित्रण किया, कीट पतंगों, पशु पक्षियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, का अंकन किया, पेड़ पौधों का, और आपके कोहरा, बादल, यानी प्राकृतिक दृश्य, कोहरा, बादल आपके, इसके अलावा वर्षा, यानी बहुत सारी प्राकृतिक रूपों का भी इन्होंने चित्रण किया। और साथ ही साथ इनकी जो आकृति है वो भाव, मुद्रा में सूक्ष्म अध्ययन और तूलिका पर उनका बहुत जबरदस्त, यानी ब्रश की फोर्स पर इनका बड़ा कमांड था। इनकी जो लाइन है वो बड़ी रिदमिक है, रेखांकन पर बहुत जोर देते थे, रेखांकन पर अधिक बल देते थे। ये कौन? नंदलाल बसु रेखांकन पर बहुत बल देते थे। इनके कुछ चित्रों में अलंकरणात्मकता आ गई है, लेकिन जैसे हम अगर इनका जो कुछ पेंटिंग्स देखें तो उनमें कुछ अलंकरणात्मकता है, लेकिन फिर भी इनके चित्रों में भारतीय जो कैरेक्टर है या भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है वो इनके चित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। इनके रेखाओं में अत्यधिक प्रवाह बल देते थे, उसमें प्रवाह नजर आता है, यानी लयात्मकता है, प्रवाह है रेखाओं में। कभी तो पेंटिंग्स आप देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा इनके चित्रों में फेमस पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर चुके, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ उनकी पेंटिंग्स के बारे में। ये फेमस पेंटिंग्स के नाम मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, राधा का विरह, राधा का विरह आपका। इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनकी कुछ पेंटिंग्स में अलंकरणात्मकता आ गई है, उनमें से ये महिषासुर मर्दिनी जो है इसमें अलंकरणात्मकता देखी जा सकती है, इसमें अलंकरणात्मकता काफी है।
वैसे तो इनकी पेंटिंग्स बोल्ड हैं और रंगीन चित्र इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन इसके अलावा इनके बहुत सारे चित्रों में ये देखने को मिलता है कि जिसके अलावा गंगा नदी में नाव, गंगा नदी में नाव इनकी एक फेमस पेंटिंग है। इसके अलावा आपका संथाल युवती और आपका इसके अलावा नंदलाल बसु के चित्रों में पर्वत का कोहरा, इस तरह के इन्होंने प्राकृतिक दृश्य भी बहुत बनाए। लेकिन ये फेमस पेंटिंग्स हैं सती का, इनका जो एक फेमस पेंटिंग मैंने अभी आपको बताई थी इससे पहले भी, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन इनकी पेंटिंग्स के बारे में सती का देह त्याग इनकी फेमस पेंटिंग्स के नाम एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सती का देह त्याग आपकी, और शिव का विषपान, तो ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा ये इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया और इसके अलावा इनके ऊपर एक रंगीन डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। ये इनकी खास बातें थी आपके नंदलाल बसु की। तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो अभी थोड़ी पेंटिंग्स मैं आपको इसके अंत में पोस्ट करूंगा वीडियो के अंत में, जिससे आपको आइडिया हुआ कि नंदलाल बसु की पेंटिंग्स किस तरह की हैं। तो इसके बारे में आज इतना ही। थैंक यू।